दोस्तों, आई एम सद्दाम फ्रॉम ब्रेन टेक सेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वाना, कीप ऑन और नो हाउ टू के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इन तीनों का मतलब क्या है और इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इन तीनों का सही यूज कहाँ करते हैं। ठीक है तो दोस्तों, आपको ये समझने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि ये यूज कैसे किया जाता है। ठीक है तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो कि ये क्या है, वाना आपने सुना है। ठीक है, वाना क्या है, वाना जो है एक, तीनों जो कहा जाए तो तीनों क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, लेकिन इसे यूजेस की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन तीनों को कैसे यूज किया जाता है और इन तीनों को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है तो दोस्तों, पहले मैं बताना चाहूंगा ये वर्ब है। वर्ब जो है वो कहीं भी यूज होता है, जैसा कि आपको पता है वर्ब जो होता है वो कोई भी टेंस, मॉडल, पैसिव के साथ यूज किया जाता है। ठीक है तो इन तीनों को भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है तो मैं आपको ये पहले बताना चाहूंगा कि वाना, वाना जो होता है आपने सुना होगा कि वांट टू, वांट टू मतलब चाहना, मैं यह क्या करना चाहता हूं, तो आई वांट टू डू दिस वर्क। ठीक है तो वैसे ही जब वाना होता है तो उसमें टू को मिलाकर वाना बनाया जाता है। ठीक है जैसे वांट टू जो होता है तो वांट टू को मिलाकर वाना बना दिया जाता है। वैसे ही कीप ऑन, कीप ऑन मतलब होता है कीप, मतलब आपको पता है रखना होता है। ठीक है लेकिन कीप ऑन का डिफरेंस मीनिंग क्या होती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा। ठीक है उसका मतलब कीप ऑन की जगह हम गोई उनको भी यूज करते हैं। ठीक है अब ये नो हाउ टू, नो हाउ टू मतलब होता है आना, मतलब किसी चीज का नॉलेज होना, मतलब ज्ञान होना कि जिसके बारे में हमें पता हो कि हाँ हमें ये आता है, तो उसमें हम नो हाउ टू का यूज करते हैं। ठीक है तो दोस्तों आइए समझते हैं हम वाना, पहले सबसे पहले हम वाना के बारे में बात करते हैं। ठीक है तो दोस्तों जैसा कि पता है कि सब जो बनाने का रूल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं सब करके, तो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस, या तो अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, तो वर्ब में क्या आ जाएगा पहले ये आ जाएंगे इन तीनों में से, वाना या फिर कीप ऑन या फिर नो हाउ टू। ठीक है तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जैसा कि वह यहां रहना चाहता है। ठीक है वह यहां रहना चाहता है, दोस्तों ये वाला सेंटेंस जरूर देखें। ठीक है इससे आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले। ठीक है तो वह यहां रहना चाहता है तो क्या आ जाएगा ही वॉन्ट्स टू लिव हियर। ठीक है ऐसा ही अभी तक आप ऐसा ही बनाते हो। ठीक है ताहित ये सेंटेंस है तो इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स क्या थे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम वर्ब को यूज कर सकते हैं, और वर्ब में क्या कंडीशन थी, अगर कोई भी सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव हो तो उसमें हम एस और यस लगाते हैं, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हम यूज नहीं करते। तो वैसा ही क्या है, सिंगुलर जो है, सिंगुलर क्या है हमारी, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसके बाद हमारे वर्ब आ गए, तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं एस और यस, और ये तो आपको पता ही होगा कि एस और यस कहाँ लगाते हैं। अगर ये आपको नहीं पता तो हमारे वीडियो को आप पहले प्रेजेंट डेफिनेट की वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने बता रखा है कि एस और यस कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जब भी टी आता है तो उसमें हम एस लगाते हैं, तो ही वॉन्ट्स। अब उसके बाद टू मैंने क्यों लगा, ठीक है टू मैंने क्यों लगा, दोस्तों याद रखना कभी भी कोई भी टेंस में, ठीक है या फिर पैसिव में, मॉडल्स में भी होता है। ठीक है अगर दो वर्ब आते हैं, ठीक है दो वर्ब आते हैं, और अगर पहला वर्ब, दो पहला वर्ब अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो टू लगाया जाता है। टू लगाने के रीजन क्या है, टू लगाने का रीजन क्या है कि क्योंकि पहले तो दोनों हेल्पिंग वर्ब, दोनों वर्ब है, ठीक है वॉन्ट बी वर्ब और लिव बी वर्ब है। ठीक है तो अगर मैं टू नहीं लगाता हूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ तो यहाँ करने क्या करने लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आईएनजी लगानी पड़ेगी या तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। ठीक है तो कभी भी कोई भी फर्स्ट फॉर्म अगर चलते हेल्प वर्ब आता है उसके बाद एक और वर्ब आ जाए तो उसमें हमें बीच में क्या टू लगाते हैं ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब टू जो आता है वो क्या एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, आके खड़ा होता है कि भाई कोई भी इसका इफेक्ट हुआ मैं दूसरे तरफ नहीं जाने दूंगा। ठीक है तो इसलिए हम टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है तो इसलिए टू का यूज किया जाता है। अगर टू हटा दिया तो इसमें क्या आ जाएगा, लिविंग आ जाएगा। ठीक है जैसा कि आपने सेंटेंस भी कितने सारे देख रखे, जैसे मुझे खाना पसंद है तो आई लाइक ईटिंग, लाइक भी वर्ब है और ईट मतलब खाना भी वर्ब है, तो इसमें अगर लाइक के बाद मैंने क्या किया टू नहीं लगाया तो आई लाइक ईटिंग, तो वैसे ही आ जाता ही वॉन्ट्स, अगर मैं टू हटा देता तो ही वॉन्ट्स लिविंग हेयर,
ही वॉन्ट्स लिविंग है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वह यहाँ रहना चाहता है, तो वो ये भी सही है, लेकिन मैंने टू लगा दिया तो इसलिए इसमें इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब प्रेजेंट डेफिनेटली मतलब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी वर्ब की, ठीक है। तो और दोस्तों ये हमेशा याद रखना, जब भी टू आता है कोई वर्ब से पहले तो उसके बाद टू के बाद वाला वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कभी भी ये सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आई एन जी नहीं चेंज होगा, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों ये कन्फ्यूज़न है कि इसमें हमें एस भी देखना है, टू भी देखना है कि कहाँ लगा, तो इसलिए इन दोनों को मिला के इसे क्या बना दिया गया है, वाना। तो सीधा सिंपल, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें आपको क्या होता है कि ये भी नहीं देखना है कि टू लगाना नहीं लगाना, ये भी नहीं देखना है कि एस लगाना नहीं लगाना, किसके साथ हमें एस लगाना किसके साथ हमें एस नहीं लगाना, तो सीधा सिंपल आ जाएगा ही वाना लीव है, बस सीधा सिंपल है। इसमें भले ही क्या होता है कि प्लूरल आए चाहे सिंगुलर आए, हमें एस या टू का कोई डिफरेंस नहीं, कोई हमें कन्फ्यूजन नहीं है कि हमें टू लगाना है या फिर एस नहीं लगाना, तो सीधा आप क्या करोगे ही वाना लीव हियर, इसमें हमें एस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे तुम मुझे पीटना चाहते हो तो क्या आएगा, यू वाना बीट मी, सीधा सिंपल। अब इसमें हमने यही नहीं देखा कि भाई सिंगुलर है प्लूरल है, हमें पता है कि वाना लगाना है तो वाना सिंपल लगाना, क्या हमें नाइट टू देखना नहीं एस देखना, ठीक है। अगर लेकिन वांट यूज करता तो क्या होता है, वांट लगाता फिर उसके बाद देखना, अगर ये प्लूरल है तो एस नहीं लगे, अगर सिंगुलर होता तो हमें एस लगाना होता, ठीक है, फिर उसके बाद टू भी लगाना होता, तो हम इन दोनों को हटने से पहले क्या होते हैं, हटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाना यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसमें नेगेटिव आता है तो नेगेटिव भी सीधा सिंपल वैसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यू तुम मुझे नहीं पीटना चाहते हो, अगर मैं इसमें नहीं लगा दूं तुम मुझे नहीं पीटना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, यू डोंट वाना बीट मी, सीधा सिंपल। वैसे ही इसमें आ जाएगा ही डजंट वाना लीव हियर, बस He doesn't wanna live here. और अगर आप want to का use करना चाहते हो तो he does not want to live here. ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया कि wanna कहाँ use होता है, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों, wanna जो मैंने जो आपको ये बताया है, ठीक है, ये most of the आप communications में ही use करें, conversation में ही use करें, ठीक है। अगर आप wanna भी use कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ होती है वो क्या होता है कि ग्रामिकल भी सही हो और और जो हम कन्वर्सेशन करते हैं वो भी सही हो। कन्वर्सेशन में क्या होता है कि हमारे शॉर्ट फॉर्म में चल जाते हैं, लेकिन ग्रामिकल में अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि वो शॉर्ट फॉर्म नहीं मानते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप करते कि मतलब थोड़ा इतना नहीं कि एडवांस यूज़ करो, लेकिन इतना भी एडवांस मत यूज़ करो कि ताकि उन्हें यही नहीं समझ में आए कि भाई तुमने लिखा क्या, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं ये नहीं बताना चाहता कि उनको क्या पता है क्या नहीं पता है। दोस्तों उनको एक क्या होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम में जब दिया जाता है चेक करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि जो मतलब जो सब्जेक्ट का टीचर है उसे ही दिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कहते हैं क्योंकि उन्हें क्या होता है कि किसी भी टीचर्स को दे दिया जाता है और उनके साथ आंसर शीट होती है, तो वो आंसर शीट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो आंसर शीट में क्या होता है कि जब कंप्यूटराइज निकलता है तो कंप्यूटराइज में वाना भी यू कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, कीप ऑन भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, नो हाउ टू भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं तो आपको वांट टू ही यूज़ करें, वाना यूज़ ना करें। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन स्पीकिंग में है तो स्पीकिंग में वाना ही यूज़ करें, वांट टू को यूज़ ना करें, क्योंकि स्पीकिंग में हर कोई चाहता है कि हम एडवांस में बोले, ठीक है, और एडवांस बोलने के सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि क्या होता है कि हम सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं, और सामने वाला इंप्रेस होगा तो वो हमारे मतलब इज्जत करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब क्या है, ठीक है, कीप ऑन मतलब होता है रहना, आपको पता है रखना भी होता है, कीप ऑन का मतलब, कीप का मतलब रखना भी होता है। जैसे मैं बोला कि पैसे अपने जेब में रखो तो कीप मनी इन योर पॉकेट, ठीक है, तो उसका मतलब भी कीप होता है, लेकिन कीप ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब रहता है, रहती है, रहता भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसा ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ प्रेजेंट डेफिनेट को, उसमें आप रहता था, रहती थी, रहता थे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये रहना वाला जो सेंस है वो ये नहीं कि वह रहना वाला सेंस है, मतलब यहाँ पर रहने वाला, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल्स, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मतलब क्या है कि मैं यहाँ रहता हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन मैंने बोला मैं खाना खाता रहता हूँ, अब मैं खाना खाता रहता हूँ, तो इससे आपको ये क्या पता चला कि मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ,
तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गए कि एक रहना अलग और लीव जिसका मतलब था लीव, तो वो रहने वाला होता मतलब ठहरने वाला रहना, ठीक है। लेकिन जो कीप जो यूज करता है वो मतलब कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, तुम उसे घूरते रहते हो, तुम उसे पढ़ाते रहते थे, वह हमें पीटता रहता था, तुम उसे बताते रहोगे, ठीक है। तो क्या है कि ऐसा जो भी काम को जो कंटिन्यूसली चलता रहे तो उसमें हम कीप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया। गो ऑन भी उसमें ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। कीप ऑन की जगह हम गो ऑन यूज कर सकते हैं, लेकिन गो ऑन दोस्तों ये कुछ ज्यादा ही एडवांस है। ये क्या है कि अभी भी मार्केट में जैसा क्या है कि एक तरह का ये कह सकते हो कि अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। और लॉन्च हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब तक बात पहुंच चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा है कि अगर आप एडवांस है बोल सकते हो तो उसमें गो ऑन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गो ऑन कैसे, कीप ऑन की जगह आप गो ऑन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं उसे बताता रहता हूं तो आई गो ऑन टेलिंग हिम या फिर आई कीप ऑन टेलिंग हिम, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि इसको कैसे यूज करते हैं। दोस्तों आप ये समझते हैं कि इसे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। वह मुझे खिलाता रहता है, ठीक है। अब अगर मैं ये हटा दूं, वह मुझे खिलाता है, तो इससे क्या पता चला कि वह मुझे एक बार खिलाता है, ठीक है। वह मुझे खिलाता है, लेकिन मैंने ये लगा दिया रहता है, तो इससे आपको क्या पता चला कि वह मुझे खिलाता रहता है, मतलब वो हमेशा मुझे खिलाता रहता है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी ऑलवेज का भी यूज करते हो, वह मुझे हमेशा खिलाता रहता है, वह मुझे हमेशा पीटता रहता है, वह मुझे हमेशा बताता रहता है, वह मुझे हमेशा मतलब बुलाता रहता है। तो इसमें भी क्या होता है कि आप हमेशा का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे हमेशा यूज नहीं किया है तो इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं, इसमें छिपा होता है। तो हम उसे यूज करें ना करें, दिस इज डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, वह मुझे खिलाता रहता है, तो इसे कैसे यूज करेंगे, ही कीप्स ऑन, ठीक है, क्योंकि तहतिया वाला सेंटेंस है, तो ही कीप्स ऑन। अब खिलाने को क्या बोलते हैं, फीड, तो ही कीप्स ऑन फीडिंग मी, ठीक है। तो दोस्तों इस कीप ऑन याद रखना, कीप ऑन जब भी आ जाए तो उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्यों, क्योंकि कीप ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसमें हम, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि प्रीपोजिशन के साथ अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें फीडिंग हम लगा, और दूसरा दोस्तों ये भी समझने का तरीका है कि एक काम क्या है, कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब वो मुझे खिलाता रहता है, तो इससे आपको ये क्या पता चला कि वो काम कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसलिए भी हम इसमें आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक और सेंटेंस ये समझना है कि इसमें हम गो ऑन यूज करते हैं, ठीक है। तो गो ऑन का भी कैसे यूज करते थे, तो ही इसमें क्या है, ही गो ऑन फीडिंग मी, ठीक है। अब इसमें हमने एस लगाया है, इसमें हम क्या लाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या लाएंगे, क्योंकि ओ आ रहा है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई भी प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस हो, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो उसमें हम वर्ब को देखेंगे कि वर्ब के लास्ट में कौन सा वर्ड है। अगर अगर उसमें से क्या होता है कि ओ आ जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, तो ओ इसमें है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, ई एस, क्यों, क्योंकि जब भी एस ई एस ओ एक्स सी एच अगर ये कोई सा वर्ब के लास्ट में आता है तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। तो वैसे ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमें क्या लगा रहे, ही गोज, तो ही गोज ऑन फीडिंग मी, ठीक है। इसमें आप कीप के ऑन भी हटा सकते हो, अगर आप राइटिंग यूज कर सकते हो तो इसमें ऑन नहीं यूज करोगे, तो आप क्या यूज करोगे, ही कीप्स फीडिंग मी, बस सीधा सिंपल, आप क्या यूज करोगे, ही कीप्स फीडिंग मी, इसमें नॉट यूज नहीं करोगे अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो, ठीक है। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं उसे गाली नहीं देता रहता हूं, अब ये नेगेटिव की बात करते हैं, मैं उसे गाली नहीं देता रहता हूं, तो इसमें क्या आएगा, आई डू नॉट कीप ऑन एब्यूजिंग हिम। दोस्तों मैं आपको एक और चीज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं, मैं बस प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंसेस बना रहे हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट में ही यूज होगा, ये आप कोई भी टेंस में यूज कर सकते हो, भले ही वो प्रेजेंट डेफिनेट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट इंडेफिनेट, कोई भी जिसमें आपको सुटेबल लगे, जिसमें ये सेंटेंस आ जाए उसमें आपको ये यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके टेंस के अकॉर्डिंग, उसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्योंकि ये पता है कि ये एक वर्ब है और वर्ब कहीं भी फिट हो जाता है तो उसे आप उसकी तरह यूज कर सकते हो। तो मैं उसे गाली नहीं देता रहता, तो आई डू नॉट कीप ऑन अब्यूजिंग हिम,
मैं उसे गाली नहीं देता, आई डू नॉट कीप ऑन अब्यूजिंग यू। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वैसे ही सीधा सिंपल आप चलते हैं ऑन को हटा के, आई डू नॉट कीप अब्यूजिंग यू। वैसे ही गो ऑन भी यूज कर सकते हो, क्या यूज करोगे, आई डू नॉट गो ऑन अब्यूजिंग यू। ओके, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस, क्या आप मुझे समझाते रहते हो। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, तो क्या आप मुझे समझाते रहते हो, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, इंटरोगेटिव में, डायरोगेटिव में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ड जो होती है वो हम सबसे पहले लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ड क्या है इसकी, डू डस, तो आप है तो आपके लिए क्या आएगा, डू। तो डू यू, अब क्या है, कीप, डू यू कीप ऑन। अब समझाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग मी Understand. Do you keep on making me understand? क्या आप मुझे समझाते रहते हो, तो do you keep on making me understand? ठीक है, मी हम लास्ट में भी लगा सकते हैं और इसके बीच में भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बीच में हमने मतलब डिफरेंस मतलब कहते हैं थोड़ा के लिए हमने मी लगा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि ये कल तक keep on का यूज कहा, keep on की जगह go on भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो कीप ऑन है वो रहना वाला मतलब ठहरने वाला रहना नहीं है, ये कोई काम जब करता रहता होता रहता उसके लिए हम कीप ऑन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नो हाउ टू। ठीक है, नो हाउ टू होता है, नो हाउ टू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का होना मतलब आना, जिसकी नॉलेज होना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि भाई मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी चलानी आती है। ठीक है, तो मुझे गाड़ी चलानी आती है मतलब वो मेरे अंदर हुनर है, मुझे पता है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, तो इसलिए हम नो हाउ टू का यूज करते हैं। ठीक है, नो हाउ टू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का करना आना। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे खाना खाना आता है, मुझे पता है कि खाना कैसे खाया जाता है, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि इसमें क्या होता है, किसी चीज का करने का आना, वो पता होना कि हाँ पता है कि कैसे किया जाता है। ठीक है, कितने दोस्तों ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसमें नो, जैसे कि कीप और कीप में कंफ्यूज आते थे कि मतलब रहना, वो लीव की जगह भी कीप ऑन का यूज कर लेते, तो वैसा गलत है। वैसे ही इसमें दोस्तों कितने ऐसे होते हैं कि आना, तो आना मतलब कम, तो कम वाला ये सेंस नहीं है, कम मतलब होता है आना, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, तो वो कम हो गया। लेकिन ये किसी चीज का आना मतलब एक तरह का ज्ञान हुनर, ठीक है, जिसे हम हुनर कहते हैं, तो किसी चीज का आना, ठीक है, कि मुझे पढ़ाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, तो वो किसी चीज़ का जब आने का वो सेंटेंस जो होता है, तो हम नो हाउ टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता, नो मतलब मैं आपको ये बता दूँ कि नो मतलब क्या होता है, जानना, पता होना, हाउ टू मतलब कैसे, तो मतलब मुझे पता होना कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे कोई भी टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे कार चलानी आती है मतलब उसे पता है कि कार कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है कि आती हो गया, तो इसमें आप जानना भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे पता है, या जैसे बोलते हैं कि मैं उसे पीटना जानता हूँ, मैं उसे पढ़ाना जानता हूँ, मैं उसे बताना जानता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि कैसे बताया जाता है, तो इसका मतलब भी सेम ही होता है। तो मैं उसे कार चलानी आती है, तो क्या आएगा, ही नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, ही नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ही क्या है, तृतीय वाला सेंटेंस है, तो क्या है ही इसमें क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा क्योंकि डब्ल्यू है, उसके बाद हाउ टू ड्राइव अ कार, टू आ गया, इसलिए हमने क्या किया, यूज नहीं किया। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, राइड और ड्राइव का मतलब तो पता ही होगा कि राइड हम दो पहिए के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ड्राइव जो होता है वो क्या करते हैं, हम चार से अधिक पहियों के लिए यूज कर सकते हैं, जो रोड पे चलता है। ठीक है, उसमें हम ड्राइव का यूज कर सकते हैं, और जो मशीनली चलती है मतलब जैसे कि ट्रेन हो गया या एरोप्लेन हो गया, तो उसमें हम ऑपरेट का यूज कर सकते हैं, जो कंप्यूटराइज चलता है। ठीक है, तो उसमें हम ऑपरेट का यूज करते हैं, और जो कार होता है इसमें हम ड्राइव का यूज करते हैं। कार मतलब कहते हैं चार पहिए वाले, या फिर ट्रक भी यूज करते हैं, बस भी यूज कर सकते हो, तो उसमें हम ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार मतलब उसे पता है कि कार कैसे चलाई जाती है। अब हम बात करते हैं, मुझे तुम्हें पढ़ाना आता है मतलब मुझे पता है कि तुम्हें कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब मुझे तुम्हें पता है कि मुझे सारे टिप्स पता है कि तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूं, मैं किस किस तरीके से पढ़ा सकता हूं, तो वो मुझे आता है, तो इसलिए क्या होता है कि मुझे तुम्हें पढ़ाना आता है, तो क्या आएगा, आई नो हाउ टू टीच यू।
मुझे तुम्हें पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच यू। तो दोस्तों ये समझा, आई नो हाउ टू टीच यू मतलब मुझे पता है कि क्या तुम्हें कैसे पढ़ाया जाता है। अब उसके बाद बात करता है, मैं गाली देना नहीं जानता हूँ। अब इसमें क्या हो गया, जानना भी आ गया, ठीक है, इसमें आना नहीं आ गया, लेकिन सेंस भी वही है कि मुझे गाली देना नहीं आता है या फिर मैं गाली देना नहीं जानता, बोथ आर सेम। तो इसमें क्या आएगा, मैं गाली देना नहीं जानता हूं, तो क्या आएगा, आई, फिर इसमें क्या है, नॉट है, तो आई डू नॉट नो हाउ टू, तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट नो हाउ टू एब्यूज, आई डू नॉट नो हाउ टू एब्यूज। तो दोस्तों इसमें समझ में आ गया कि इसमें होता क्या, इसमें इंटरोगेटिव भी वही सेम बनेगा। अगर इंटरोगेटिव या क्वेश्चन आपको बनाना है तो क्वेश्चन भी वही सेम बनेगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग, और फिर सब्जेक्ट, फिर वही नो हाउ टू या वाना या फिर कीप ऑन, और फिर उसके बाद आपको वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे वाना और कीप ऑन और नो हाउ टू के, ठीक है। वाना, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या आएगा, आई वॉन्ट टू टीच, एक, या फिर आई वाना टीच, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब हम कीप ऑन की बात करते हैं, ठीक है, जैसे वह मुझे बताता रहता है, ही कीप्स ऑन टेलिंग मी, वह मुझे बताता रहता है, ही कीप्स ऑन टेलिंग मी, या फिर ही गोज ऑन टेलिंग मी, या फिर ही कीप्स टेलिंग मी। वैसे नो हाउ टू, मुझे तुम्हें बताना आता है, तो आई नो हाउ टू टेल यू। दोस्तों आई होप ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने राय दे सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चंस को जवाब दें। और अगर आपको किसी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पसंद करते रहे, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा अपडेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।